अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त शहजाद पारसी और आप देख रहे हैं नेचर लवर्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको कोला नट के बारे में बताऊंगा, जो कि अफ्रीका में पाया जाने वाला एक फल है, और इसके साथ जुड़ी आपको इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी सुनने को मिलेंगी। प्लस ये जो फल है ये मेडिसिन क्वालिटीज़ भी अपने अंदर रखता है, और इंशाल्लाह आखिर में उसके बारे में भी आपको गाइड किया जाएगा। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी क्लिक कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, मैं इस वक्त सिरिलॉन के शहर फ्री टाउन में मौजूद हूँ अपने दोस्तों के साथ, और जैसा कि आपको मालूम है कि ये वीडियो हम कोला नट के बारे में बना रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि कोला नट क्या होता है और ये कैसा दिखता है। Okay, so this is cola. Cola nut, yeah. We call it nut. Nut, it's a cola nut. Mm-hmm. Nut. Okay, how? ये कोला नट तो मैंने इनसे ले लिया है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि इसको खोलेंगे कैसे। तो देखते हैं, कोशिश करते हैं अगर ये खुल जाए तो, लेकिन लगता है ये मेरे बस का काम नहीं है, मुझसे तो ये ओपन नहीं हो रहा। तो ये चलिए इन्हीं से पूछते हैं कि ये हमें बताएं कि इस कोला नट को कैसे ओपन किया जाएगा और उसके बाद इसको कैसे खाया जाएगा। And then you will eat like that. Yes, that's just it. Yeah, put that. Ah, okay. It's cola nut. Na medicine. It is medicinal. Mm-hmm. For belly. For belly. For the stomach. Ah, for stomach. Okay. Yeah. You use your two fingers. Put it in the middle. Uh-huh. Yes, that's all fine. Yeah. Mm-hmm. Yes. दोस्तों, ये तो लगता है मेरे बस की बात नहीं है कि ये मुझसे खोल सके, बहुत ही सख्त है और मेरे नाखून भी नहीं है। तो देखते हैं ये साहब क्या करते हैं। ओ वाओ, अमेजिंग, इसने तो ऐसे खोल के दिया जैसे कोई बात ही नहीं थी। और ये देखिए, ये है कोला नट। तो ये बादाम की तरह लग रहा है शक्ल से, लेकिन देखते हैं कैसा टेस्ट है। माई गॉड, इसका जायका तुर्श और कड़वा सा इसका जायका है। पहली मरतबा जो अगर आप कोई अजीब सी चीज़ खाएं तो जो आपको फीलिंग होती है, मेरे भी इस वक्त वही फीलिंग्स हैं। I am from Pakistan. Pakistanis. No, no, it is different. Is that you look different? I'm a human being. You look different. Okay. I'm from Pakistan. They have been used to seeing people, Lebanese are here. We have some Lebanese who are Sierra Leoneans. Mm-hmm. Like Edward. Edward, yeah, Sierra is a Sierra Leonean. They don't go to work, they are American. They don't go to work. ये लोग मुझे कह रहे हैं तुम different दिखाई दे रहे हो। मैंने इनको बताया कि मैं पाकिस्तानी हूँ, लेबनीज नहीं। यहाँ फ्री टाउन सिरिलॉन में आपको ज़्यादातर जो फॉरनर्स हैं वो लेबनीज नज़र आते हैं। So it is bitter, but it is medicinal. Medicine. It is like we use it in Africa as like a form of respect, form of greeting. Very good. No matter when somebody comes to you, mm-hmm. you give him cola nut. Mm-hmm. Uh-huh. Mm-hmm. So anytime you go, if you eat a big portion, eat them. Mm-hmm. You will get a long life. If you eat them, no one will not beg you. I know it's long. This. He said there is a belief that if you are eating this one, mm-hmm. like as soon as he took it out, okay. if somebody did not beg you. Mm-hmm. If somebody did not beg you that give it to me, mm. he said that's a symbol that you won't live long. Mm. He said, but so as soon as you take it out, somebody must say, let me have it. Yeah, give me half. So that's the belief. Yeah. Okay. So it's the message, this is very respectful. And mm-hmm. Yes, it is respectful. Like when you go like as a suitor, mm-hmm. you know, to for a wedding, mm-hmm. a traditional wedding, mm-hmm. this is very paramount. Mm-hmm. Okay. Yes, in a wedding, this is very, very paramount. Yeah, if you don't have it, there is no wedding in Africa. Yes. तो जैसा आपने सुना कि मेरी फ्रेंड ने बताया है कि ये कड़वा ज़रूर है, मगर ये अपने अंदर बहुत सारी मेडिसिन जो है वो क्वालिटीज़ रखता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद है। फिर उसने बताया कि ये जो कोला नट है, इसकी रवायत यह है कि जब भी कोई मेहमान वगैरह आपके घर आते हैं या आप किसी के यहाँ जाते हैं, तो आप भी कोला नट का तोहफ़ा लेके जाते हैं। ये यहाँ बहुत मोहतरम माना जाता है, बहुत अच्छा इसको लोग मानते हैं। फिर मेरे फ्रेंड ने कोला नट से रिलेट एक बिलीफ भी बताया कि हम लोगों का ये मानना है कि जैसे ही आप अपने बैग से शॉपिंग बैग से कोला नट आपने निकाला और आप उसको खाने लगे हो,
तो किसी न किसी शख्स को उसको मांगना चाहिए, तो ये आपके लिए अच्छा होता है। अगर आपने कोला नट अपने बैग से निकाला, आप खाने लगे और किसी ने वो कोला नट नहीं आपसे मांगा, तो इसका मतलब ये है कि आप ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहोगे। ये इनका एक बिलीव है, ये इसको इस तरह करके कोला नट को जो अपनी रवायत है उसको कोला नट से ये लोग इस तरह करके जोड़ते हैं। तो देखा दोस्तों, ये कोला नट जो है वो अफ्रीका में बहुत ज़्यादा जो है वो इज्जत वाला समझा जाता है। फिर चौथी बात उसने ये बताई कि अगर आप किसी शादी की तकरीब में जाते हो और वहाँ पे भी आपको कोला नट का ही तोहफा देना चाहिए। कोला नट का तोहफा जो है बहुत अच्छा समझा जाता है शादी ब्याह की जो है वो रस्में हैं उसमें देने के लिए भी। तो जहाँ हर एक अपने वतन में हर एक ही अपनी अपनी ट्रेडिशंस होती हैं, यहाँ फ्री टाउन अफ्रीका में इन लोगों की अपनी ट्रेडिशंस हैं कोला नट को लेकर। तो दोस्तों ये था कोला नट के बारे में जो मेरे वहाँ फ्रेंड्स ने मुझे बताया। अब आइए इस कोला नट के बारे में कुछ और हैरान कुन जो मालूमात हैं वो आपको देता हूँ, और इसके क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो जो कोला नट है, जो फ्रूट है कोला, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के जो इलाके हैं अफ्रीका में वहाँ पे ये पाया जाता है। इसमें जो है वो कैफीन पाई जाती है और इससे टेस्ट डेवलप होता है, जो कि आजकल हम जो कोको कोला की जो एक बुनियाद रखी गई थी जहाँ से कोला का नाम आया था, और इसी वजह से कोला का नाम भी आया था, तो इससे उसका टेस्ट डेवलप किया गया था, इसको कोला कहते हैं। तो कोला नट्स जो हैं वो अफ्रीका में बहुत मशहूर है, ख़ास तौर पे वेस्ट अफ्रीका में, और ये 100 सालों से भी ज़्यादा जो है उससे पहले ये यूरोप में और यूएसए में भी इसको मुतारिफ कराया गया था। आजकल के दौर में जो कोको कोला हम पी रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं कि उसमें टेस्ट डेवलप करने के लिए कोला नट का इस्तेमाल किया जा रहा हो। एक और बात आपको बताता चलूं, कोला नट दुनिया में 10वें नंबर पर है जिसकी जो वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन है वो कोई 190,431 टन सालाना है। जैसा सीरिलियोन में मैंने आपको बताया फ्री टाउन में इसकी बहुत ज़्यादा रवायत है, इसी तरह नाइजीरिया में भी इसको जो है वो बहुत अहम माना जाता है, और इसको शादी ब्याह में और इवन के किसी का इंतकाल हो जाए उस मौके पे और तरह तरह के दीगर रसूमात में भी इसको तोहफ़तन जो है वो कोला नट को देते हैं। कोला नट के बहुत सारे मेडिसिन बेनिफिट भी हैं जो कि मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। दोस्तों कोला नट के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि ये वेट लॉस के बारे में इसको कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा मददगार है। फिर ये आपका एनर्जी लेवल जो है उसको बूस्टअप करने में जो है वो मदद देता है। कोला नट जो है ये आपके जिस्म की नशोनुमा में भी आपकी मदद करता है, और आपकी जो कुव्वत मुदाफियत है, इम्यून सिस्टम है, उसको भी ये बढ़ाता है, और आपकी बॉडी में जो पीएच लेवल है उसको जो है बरकरार सही लेवल पे रखने में भी मदद करता है। एक और कोला नट के बारे में जो कहा जाता है कि ये ज़ख्म को भरने में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो दोस्तों इसका जायका तो कड़वा होता है लेकिन ये अपने अंदर बहुत सारी जो है वो हेल्थ बेनिफिट रखता है। अच्छा, इसकी एहतियात ये है कि जो हाई बीपी के पेशेंट हैं वो कोला नट से अवॉइड करें, क्योंकि कोला नट जो है ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। इसी तरह दूसरी इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं, मतलब कुछ सोने में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ आपको शिवरिंग वगैरह, नौजिए, इस तरह की कुछ हो सकती हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम इट कोला नट जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट अपने अंदर रखता है, और इंसानियत की इसमें बहुत सारी भलाई है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और
पसंद आई है वीडियो तो ज़रूर नीचे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और आपके भरपूर फरमाइश पे इसको अब मैंने साथ साथ उर्दू में भी अपनी वीडियोस को बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे जो दोस्त हैं वो कहते थे कि आप उर्दू में वीडियोस बनाया करें, तो अब मैं इंशाल्लाह उर्दू में भी वीडियोस बनाया करूँगा। और आपका कोई सजेशन हो, मज़ीद कोई कमेंट हो, तो आप अपने नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।